नमस्कार दोस्तों, इनवारो एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल आपका फाइनल आंसर की रिलीज किया है एनटीए यूजीसी ने, और सभी लोग आपने जो है अपना आंसर की देख लिया, मैच कर लिया, और तभी से जो है बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर रिज़ल्ट क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगर हम आप बात करें इन सब छोटे छोटे मुद्दों पे, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों ने उठाया कि सर जो है जो क्लेम क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है, उनमें से जो आपने पेपर टू के तीन क्वेश्चन बताए थे, तीनों जो है एनटीए ने मान लिए हैं, दो को ड्रॉप कर दिया है जिस तरीके से आपने बताया था, और वन एक को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात रही, ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि भाई ये तीन क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन ड्रॉप होने की संभावना है और एक क्वेश्चन चेंज होने की संभावना है, उसी तरीके से हमेशा की तरह जो है आप सही दिशा में चले गए। वहीं पे पेपर वन का भी हमने एक क्वेश्चन बताया था, उसको बच्चे बोले कि सर वो बदलना चाहिए था, वो नहीं बदला है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, एक एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की है, वो किस तरीके से क्वेश्चन को देखती है, किन आधार पे वो क्वेश्चन बदलती है, ये उनके स्टैंडर्ड हैं, क्राइटेरिया हैं। हो सकता है उस क्वेश्चन के लिए उनको रेफरेंस में बहुत ज़्यादा दम ना लगा हो जो बच्चों ने अटैच करके भेजे, और दूसरा जो है हो सकता है क्लेम उस स्तर के ना पहुँचे हो कि उस पर वो ध्यान दें, ठीक है। तो जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस बार ड्रॉप क्वेश्चन और चेंज क्वेश्चन कम रहेंगे, तो वैसा ही हुआ है इस बार, जो है पिछली बार की अपेक्षा कम इस तरीके के क्वेश्चन निकले हैं जो चेंज हुए हैं, तो मेरिट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। चार क्वेश्चन का जो है बदलाव हुआ है, दो ड्रॉप हुए हैं, तो दो के लिए तो सभी को नंबर मिल जाएंगे, दो क्वेश्चन जो हैं बेसिकली चार नंबर का खेल बेसिकली बदला है। हो सकता है किसी के चार नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा चार नंबर कम हुए हों, हो सकता है किसी के ज़्यादा से ज़्यादा चार नंबर आपके बढ़ गए हों, क्योंकि क्लेम जो ड्रॉप है उनका तो सभी को जो है नंबर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप सभी लोग पूरे ट्रस्ट के साथ में, फेथ के साथ में जो आपको हम बोलते हैं वो करते आए हैं आज तक, और जो है ऊपर वाले की उससे हमेशा की तरह जो है हम सही दिशा में जो है जाते रहते हैं, ठीक है, और हम मेहनत करते रहेंगे इसी तरीके से। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप जितने क्वेश्चन जो है क्लेम करो, ठीक है, उतने ही क्वेश्चन आपके मान लिए जाएं, तो उसका मतलब कि आपके रेफरेंस में, आपके कंटेंट में जो है दम है, आप जो है अपने सही दिशा में हैं, क्योंकि अपनी बात मनवाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो तीन क्वेश्चन जो बेसिकली हमने कहे वो आपके सही हो गए, मेरिट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा भी बताया हमने कि दो क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं और मैक्सिमम चार नंबर का फ़र्क आएगा। तो जो एक पहले हमने कट ऑफ का एक जो है आपको अंदाज़ा बताया था कि कहाँ तक जा सकती, देखिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, कट ऑफ वगैरह, ये हमारी उत्सुकता का हिस्सा ज़्यादा है। अदरवाइज़ तो अगर हम देखें, हमने कर्म किया है, एक स्कोर हमारा बन गया है, ऊपर वाले के पे छोड़ देना चाहिए, बट फिर भी अगर हम देखें तो आप इस बार LS की अगर हम बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो LS जो है वो कहीं ना कहीं 160 से लेके और 170 के आसपास रहना चाहिए, है ना, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए LS जो है इस रेंज में कहीं ना कहीं पे रहने की उम्मीद है। हो सकता है दो चार नंबर जो है इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए हम तो केवल एक जो है बच्चों के स्कोर के आधार पे ही बात कर सकते हैं, जिस तरीके से हज़ारों बच्चे जो हैं एसोसिएटेड हैं इनवारो अकेडमी से, तो वो अपना स्कोर बताते हैं कि सर मेरा स्कोर जो है इस तरीके से है, तो उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं, लगभग 70% बच्चे जो हैं वो इस बार 170 से कम हैं, ठीक है। हमारे पास में ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे ही जो है एसोसिएट होते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे हमारा टेलीग्राम हो, ठीक है, चाहे हमारा व्हाट्सअप हो, चाहे
यूट्यूब हो, यहाँ पे केवल प्योर पढ़ने वाला बच्चा आता है, टाइम पास करने वाला बच्चा हमारे पास में नहीं आता। जो इनवारो अकेडमी क्लासेस ज्वाइन करता है, डेफिनेटली उसका तो मोटिव ही JRF का होता है, वो तो LS सोचता भी नहीं है। बट फिर भी LS बहुत बड़ी चीज़ है, केवल 6% बच्चों का होता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यही उम्मीद की जा रही है कि जो कट ऑफ रहेगा वो कहीं ना कहीं जो है 170 के आसपास घूम जाना चाहिए। ठीक है, जैसे पिछली बार 188 शायद था, तो वहाँ तक जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। OBC के लिए अगर हम देखें तो OBC और आपका EWS के लिए, तो इसमें से हम देखें तो 160 के आसपास जो है आपका LS जाना चाहिए। और जो आपका SC ST के लिए अगर हम देखें तो 155 से लेके 160 के आसपास, कहीं इस रेंज में जो है आपका LS जाना चाहिए, अगर हम केवल LS की बात करें। ठीक है, हालांकि इसमें हम मान के चल रहे हैं कि भाई हाँ, 4-5 जो है, 4 नंबर 6 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अंदाज़ा यही लग रहा है इस बार जो है बच्चों के स्कोर के हिसाब से। अगर अब JRF की बात करें तो JRF जो इस बार का ट्रेंड है, हालांकि पिछली बार जो हाईएस्ट स्कोर की तरफ हम देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, ठीक है, जिनके नंबर जो है 216 से ज़्यादा थे, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 216 से ज़्यादा थे। इस बार जो है वो नंबर बहुत कम दिखाई दे रहा है, 210 के बाद की रीच जो है बहुत ही कम दिखाई दे रही है, 200 से 210 के बीच भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो ये एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जो बच्चा 190 से प्लस है, ठीक है, जिसका स्कोर जो है 190 से ज़्यादा है, उसका उम्मीद की जा रही है कि शायद JRF हो जाए अनरिजर्व कैटेगरी में। अनरिजर्व कैटेगरी में जिसका 190 से ज़्यादा स्कोर है, उसका जो है JRF होने की प्रबल संभावनाएं लग रही है। और इसी तरीके से EWS और आपका जो OBC कैटेगरी है, उसका JRF की उम्मीद की जा रही है कि 180 जो है इसके आसपास जो है जा सकती है मेरिट OBC और EWS की। और आपका वैसे ही जो है SC ST के लिए अगर हम बात करें तो ये मेरिट जो है 170 से लेके 180 के बीच में कहीं पे जो है लाइव करेगी, ऐसी उम्मीद लग रही है। ठीक है, वैसे तो होपफुली रिज़ल्ट आ ही जाएगा शाम तक। तो अगर आप 190 से ऊपर हैं, ठीक है, 194, 192, 190 इस रेंज में, तो आप पूरी संभावना आप जो है जता सकते हैं कि शायद जो है इस बार आपका JRF हो जाए, है ना। और वहीं पे अगर आप 160 से 170 के बीच में कहीं हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, आपका जो है LS हो जाए अनरिजर्व कैटेगरी में। और जैसे जैसे हमने बताया बाकी कैटेगरी के लिए, तो ये संभावनाएं हैं। ठीक है, क्लियर कट तो जो है रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा तभी सब पूरा सीन जो है आपके सामने आएगा। ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, कि भाई इस बार फेलोशिप का नंबर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना पहले रहा था, क्योंकि अभी जून में फिर एग्ज़ाम है। तो जो बच्चे इस रेंज में हैं वो कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव होप रखें और अपना जो है वेट करें। हो सकता है कि शाम तक आज ही जो है जिसकी संभावना है पूरी पूरी है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए, नहीं तो आ ही जाएगा, अब तो सब कुछ हो ही गया है। एंड फिर भी एक जो है मैं आपको कहूँगा कि अपनी तैयारी को बना के रखें। अगर आज रिज़ल्ट नहीं आता है तो ज़्यादा इसके वेट में डिले मत करें अपनी तैयारी, एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। क्योंकि अभी कितना टाइम रह गया है जून के एग्ज़ाम में, है ना, 2 महीने बाद फिर एग्ज़ाम है। तो जो बच्चा इस रेंज में है वो कहीं ना कहीं कैलिबर रख रहा है, उसका टैलेंट है, वो JRF डिज़र्व करता है। ठीक है, तो अगर 2-4 नंबर से इधर उधर भी होता है तो उसको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और जो है तुरंत आपका जून में एग्ज़ाम है। तो जो मेरिट
कि कट ऑफ की हमने यहाँ पे आपको बात की है, इससे आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और अपना जो है शाम तक आप वेट कीजिए, हो सकता है फाइनल रिज़ल्ट आ जाए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तुरंत लग रहा है कि उसके बाद में 8-10 दिन के टाइम के बाद आपका जो है फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा जून के एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है, व्यर्थ में परेशान होने का, डिप्रेस्ड होने का टाइम ही नहीं है, है ना, कि भाई आज हम डिप्रेस्ड होके बैठे हैं थोड़े दिन, जैसे होता है ना कि भाई मेरा तो नहीं हुआ, ठीक है, या जो है इस तरीके से देखें, क्योंकि ये रेंज जो जिन बच्चों की है वो डिज़र्व करते हैं JRF। तो अभी तो अपना ऊपर वाले का नाम लेते रहिए और रिज़ल्ट का वेट करते रहिए। अगर आज रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर इसको आप साइड पे रख के अपना तैयारी जो है अपनी कंटिन्यू जैसे कर रहे थे, जैसे हम बोलते रहते हैं हमेशा कि भाई अपनी तैयारी को एक पेस पे लगातार करते रहिए। और अब तो समय ही नहीं है हमारे पास में, हमारी बेस्ट विशेज हमेशा आप लोगों के साथ में हैं, हमेशा रहेंगी। बच्चों आप मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से हम हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जिस तरीके से भी बच्चा हमसे एसोसिएट होता है, चाहे इनवारो अकेडमी क्लासेस ज्वाइन करे, चाहे वो नोट्स ले, चाहे यूट्यूब पे, चाहे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, कई हज़ार बच्चे एसोसिएटेड हमसे हैं। और हमारा मोटिव जो है इनवारो अकेडमी का यही है कि हर प्रकार के बच्चे को जो है सपोर्ट किया जाए, ठीक है, और हम अपने इस मिशन में हमेशा लगे रहेंगे। आप मेहनत करते रहिए। जियो बच्चों, गॉड ब्लेस यू।